स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजी न्यूज पर। आज हम आपसे बात करेंगे जॉब को लेकर नई अपडेट आई है। जानिए किन किन राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितना है, सैलरी कितनी होगी और इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको कैसे अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, हम डाक विभाग से आई नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 डाक विभाग में 10वीं पास की भर्ती जाने सैलरी और आवेदन की डिटेल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट india.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टाफ कार ड्राइवर के 12 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 4 पद OBC जबकि 1-1 पद SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक में इस भर्ती के तहत स्टाफ का ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने की उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। स्टाफ का ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। डाक विभाग में स्टाफ का ड्राइवर के पदों पर आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करके अधिकाधिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्टाफ का ड्राइवर के पदों पर नौकरी करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च 2021 है। साथ ही उम्मीदवारों की सैलरी 19,900 रुपये प्रति माह होगी। पोस्टिंग स्थान मुंबई महाराष्ट्र होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।